लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग, लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के, मंजिलों को चूम के, चले जमाना इनके संग। मैं आ जाऊंगा, मगर तुम्हें रोहित को छोड़ के मुझे किडनैप करना होगा। मैं तुम्हें 25 लाख की गारंटी दे सकता हूँ। देखो, तुम लोगों ने खुराना साहब के बेटे टिंकू को किडनैप करने के बजाय मुझे किडनैप कर लिया है। बता, तेरा दूसरा साथी कहाँ है? मेरा कोई साथी नहीं है। रंचो, खुराना साहब, रोहित को तो मैंने छुड़ा लिया, लेकिन अभी अभी पता चला है कि टिंकू कहीं गायब हो गया। जाओ पता लगाओ टिंकू कहाँ। राजा, इतनी हिफाजत के बावजूद वो टिंकू को खा लेगा। घबराइए नहीं मालिक, जैसे राजा साहब ने रोहित को गुंडों से छुड़ाया है, वैसे टिंकू बाबा को भी छुड़ा लेंगे। हाँ खुराना साहब, जॉइंट कर। कहाँ होगा मेरा टिंकू? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं उन बदमाशों को गोली से उड़ा दूंगा। अरे हाँ, याद आया, उन दोनों बदमाशों के साथ एक तीसरा आदमी भी था। तीसरा आदमी कौन? उसकी शक्ल याद है, कैसा दिखता था? ये तो पता नहीं, लेकिन जब उसका फोन आता था वे उसे बॉस कहकर बुलाते थे। इसका मतलब हो सकता है कि शायद किडनैप की प्लानिंग उसी आदमी ने की। ओह आई सी, जानता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है। कौन? टिंकू का मामा सतीश। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं ठीक कह रहा हूँ रामदीन, मुझे शक है कि सारा प्लान उसी का बनाया हुआ है। आपके शक की वजह मिस्टर पुराना? इसकी कई वजह है राजा साहब। वो टिंकू के जरिए मेरी दौलत हथियाना चाहता है, मैं अभी उसी खबर लेता हूँ। हेलो। हेलो डैडी, मैं टिंकू बोल रहा हूँ। हाँ टिंकू बेटे, तू कहाँ है? मैं जाती हूँ, ठीक हूँ, मगर आप ये बताइए कि रोहित घर आया कि नहीं। हाँ रोहित आ गया। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने अपने आप को किडनैपर्स के हवाले कर दिया है। तुमने अपने आप को किडनैपर्स के हवाले कर दिया? पर बेटा क्यों? क्योंकि इन लोगों को 25 लाख रुपए चाहिए थे और मुझे अपना दोस्त। लेकिन बेटा, रोहित के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में। उसे बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मगर मेरे को बचाने के लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है 25 लाख। आप इन्हें 25 लाख रुपए दे दीजिए, और वो भी आज शाम 5 बजे तक, समझा? हाँ हाँ दे दूंगा, 5 बजे तक दे दूंगा। लेकिन हाँ मालूम है तुम क्या डायलॉग बोलने वाला है। अरे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को तकलीफ मत देना। अरे तुम जिधर भी बोलेगा उधर रुपया लेके आ जाएगा। यही बोलने वाला था तू? हाँ अभी सुन, अब आना बकरा कसाई के पंजे में। सुन, पता नोट कर। हाँ हाँ।
काला चौकी से 100 कदम लेफ्ट, समझा? वहां तेरे को पेड़ मिलेगा, लाल कपड़ा बंधा रहेगा उधर, उधर ही नोटों का बैग रखने का, और वहीं से 100 कदम दूर जाकर रुक जाना, पीछे मुड़ कर देखने का नहीं, समझा? समझ गया। हाँ, अरे अपने को सही सलामत माल मिल जाएगा ना, तो तुमको टिंकू भी सही सलामत मिल जाएगा, समझा? और हाँ सुन, वो राजा और रेंचो टिंकू को बचाने की कोशिश करेगा, तो बोल देना अगर वो दोनों दूर से भी नजर आया ना तो तुमको टिंकू तो नजर आएगा पर उसका डेड बॉडी। नहीं नहीं, मैं किसी को साथ नहीं लाऊंगा, मैं अकेला ही आऊंगा। हाँ अकेला ही जाना, और जल्दी कर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। फास्ट। वैसे खुराना, मैंने एक प्लान सोच लिया। नहीं नहीं, मुझे कोई प्लान मानने चाहिए राजा साहब, ये मेरे बेटे टिंकू की जिंदगी का सवाल है, आप इसमें प्लीज दखल मत दीजिए, वरना उन लोगों ने धमकी दी है कि वो मेरे टिंकू को जान से मार देंगे। यू प्लीज गो। शट अप एंड गेट आउट। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे को रुपया देकर बचा लूंगा। वेल, मैं अपना फर्ज जिसने तुम्हें टेलीफोन पर किडनैपिंग का प्लान समझाया था। अच्छा, वो तुम थे बॉस? हाँ। अब तुम्हारा काम खत्म और मेरा शुरू। जाओ, मेरी कार में बैठ जाओ, तुम्हारा हिस्सा वहीं मिल जाएगा। मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। राइट बॉस। ओके बॉस। मेरा शक ठीक निकला, ये सब तेरी ही चाल थी। यस माय डियर जी, क्या करता, मुझे 25 लाख की जरूरत भी थी और अपने इंसल्ट का बदला भी चुकाना, मुझे दोनों का इंसल्ट भी चढ़ा। अब कहिए मुझे बेटा, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तो टिंकू की मौत की जिम्मेदार तुम। सतीश, राजा रुक जाओ। सतीश, तुम्हें जो कुछ चाहिए था मिल गया, अब प्लीज मेरे टिंकू को छोड़ दो। सतीश, छोड़ दूंगा, लेकिन यहां से निकल जाने के बाद सारा प्लान हमने बनाया और रुपया लेकर के तुम भाग जाना चाहते हो। मेहनत अपन ने किया, 5 लाख 5 लाख मिला, बस क्या यार, इसे क्या करना, 6 महीने का भाड़ा तो निकला। अरे लेकिन एक बात है, एक मेरा गोली मार देगा। अरे सामने के पास, अरे सब पैसा कोई और लेके गया। आपका असली मुजरिम ये है खुराना साहब, सतीश ने। सतीश ने तो सिर्फ मेरे कहने पर ही सारा नाटक किया। क्यों सतीश? लेकिन क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे यह महसूस हुआ कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है जो इस साजिश में शामिल है। सबसे पहले मैंने सतीश को चेक किया, जब मुझे यकीन हो गया कि सतीश इन लोगों के साथ नहीं है तो मैंने सतीश को अपने साथ लिया ताकि वो छुपा हुआ मुजरिम मेरे सामने आ जाए। यह रही आपकी दौलत और यह रहा आपका मुजरिम। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमेशा हम दोनों को बेइज्जत करता था,
अपने आप को ऊंचा हमको नीचा दिखाता था, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं भी ऊंचा बनके दिखाऊंगा, बड़ा बनके दिखाऊंगा, ताकि बेटा तुम्हें कोई नौकर का बेटा नहीं कह सके। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं बाबू, फिक्र मत करो रोहित, सब ठीक हो जाएगा। मान लिया इंस्पेक्टर गोखले, राजा साहब उन दोनों के साथ साथ इसे भी गिरफ्तार करके ले जाइए। चलो चलो। थैंक यू वेरी मच राजा जी। खुराना साहब, इस केस के लिए आप खुद भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। वो कैसे? वो ऐसे खुराना साहब के दौलत की चकाचौंध में आप रोहित जैसे मासूम बच्चे और सतीश जैसे हमदर्द की मोहब्बत को ठुकरा चुके हैं। लेकिन मुझे क्या पता? आपको तो ये भी नहीं पता खुराना साहब कि जिस सतीश को आप अपनी दौलत का लालची समझ बैठे हैं, उसने अपनी सारी दौलत आपके बेटे टिंकू के नाम कर दी है। खुराना साहब याद है जिस दिन टिंकू का जन्मदिन था, उस दिन सतीश अपनी सारी दौलत के जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स उसे गिफ्ट करने लगा। ओह माय गॉड, जी हाँ जी हाँ जी, टिंकू के जन्मदिन के लिए उस वसीयत के सिवा मेरे पास और कोई तोहफा नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी सतीश? जरूरत थी खुराना साहब, क्योंकि इस बेचारे की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं। ये आप क्या कह रहे? ये मैं नहीं बल्कि इनके डॉक्टरों का कहना है जो इनके कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल जाकर सब मालूम किया। माय थॉट सॉरी मामा जी, बात नहीं, आई एम सॉरी सतीश, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें गलत समझा मेरे भाई, आप मुझे अब भी गलत समझ रहे हैं। मैं आपका भाई नहीं, साला हूं जीजा जी। हेलो, रश्मि है वहाँ? हाँ बोल रही हूँ, कौन बोल रहे? रश्मि, रश्मि मैं आशा बोल रही हूँ। आशा, मेरी शादी का कार्ड मिला? हाँ रश्मि मिल गया। तो वहाँ क्या कर रही है, जल्दी आना। रश्मि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम एक दिन के लिए बैंगलोर आ सकती हो? आशा तू जानती है ना 5 दिन बाद मेरी शादी है और तू मुझे बैंगलोर आने के लिए बोल रही है, मैं कैसे आ सकती हूँ? तू इधर आ जा, बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। प्लीज रश्मि ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम प्लीज मुझसे मिलने बैंगलोर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओफो आशा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे फोन पर नहीं बताना चाहती हो और बैंगलोर बुला रही हो? जानना चाहती है तो सुन, तेरा 5 दिन बाद होने वाला पति मेरे 10 महीने के टिंकू का बाप है। क्या? ये है तुम्हारी शादी का कार्ड और ये है टिंकू का बर्थ सर्टिफिकेट। शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं की? शादी हुई होती तो खबर करती ना। क्या मतलब? मेरी रमेश से शादी हुई ही नहीं। तो फिर टिंकू? क्या बताऊं रश्मि, ये एक बहुत लंबी दुख भरी दास्तान है। मैं और रमेश एक पार्टी में मिले थे और उस छोटी सी मुलाकात ने हमें दोस्त बना दिया और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। शुरू शुरू में मेरे पिताजी शादी से इनकार करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के गर्भ में रमेश का पाप पल रहा है, वो बेचारे क्या करते, इनकार ना कर सके और शादी के लिए मान गए। अचानक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में डाउनफॉल हो गया और मेरे पिताजी भी दूसरे बिल्डरों की तरह
बेबस हो गए, हम कंगाल हो गए। और रमेश, जब उसे पता चला कि हम अब अमीर नहीं रहे, तो उसने उसने शादी से इनकार कर दिया। मैं लाचार हो चुकी। टिंकू मेरे पेट में 5 महीने का हो चुका था, एबॉर्शन नामुमकिन था। ये है मेरी बर्बादी की लंबी दास्तां। अब तू ही बता रश्मि, एक बिन बाप के बच्चे को मैं बैंगलोर से मुंबई कैसे लाती? बोल। हेलो रश्मि। हेलो मैडम, फरमाइए, कैसे याद किया? मेरी वो पुरानी वसीयत फाड़ दीजिए जिसमें मैंने रमेश को वारिस बनाया था। क्या? चौंकिए मत, मैंने कहा मेरी पुरानी वसीयत फाड़ दीजिए और नई वसीयत बनाने का ड्राफ्ट तैयार कीजिए। मेरा फैक्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। कैसी बात कर रही हो बेटी? अब ये शादी कैसे कैंसिल हो सकती है? तुम जानती हो कार्ड बढ़ चुके हैं, मंडप सजाया जा चुका है और अब तो मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है? मैं रमेश से शादी नहीं कर रही हूं, बस। हाँ हाँ, रश्मि मैडम, गुड मॉर्निंग मैम। बोनी, बिग बी डिटेक्टिव एजेंसी को अपॉइंट करो और उनसे बोलो कि 7 दिन के अंदर ही अंदर मुझे रमेश के पिछले 7 जन्मों का कच्चा चिट्ठा चाहिए, समझे? ओके मैडम, ओके। आइए आइए रमेश दी ग्रेट, बिराजिए। बद्री प्रसाद, ये मक्खन बाजी छोड़ो, साफ साफ बताओ मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने? बैंगलोर से तुम्हारी चिड़िया रश्मि का फोन आया था, कह रही थी रमेश की डाल काट दो, मैं उड़ रही हूँ। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते, बात क्या है? ये फैक्स बैंगलोर से रश्मि के ब्रांच के रेस्ट हाउस से आया है, उसका फोन भी आया था, कह रही थी कि पुरानी वसीयत जिसमें तुम उसके वारिस हो उसको कैंसिल कर दूं और नई वसीयत इस फैक्ट्स की बुनियाद पर बनाऊं जिसमें तुम्हारा नाम नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? लो पढ़ लो। दूल्हे राजा, फटाफट बैंगलोर जाओ और सटासट अपनी बुलबुल को पटाओ, वरना तुम्हारी हालत बिल्कुल वही हो जाएगी कि लाखों के हिसाब में करोड़ों की भूल, खाता उठा के देखा तो मुद्दल ही गुल।